హావ్ యు సీన్ ఎనీ తెలుగు సినిమా మీరు ఏదైనా తెలుగు సినిమాని చూడడం జరిగిందా ఆఫ్ కోర్స్ బాహుబలి ఓహో బాహుబలి బిగ్ ఫ్యాన్ బాహుబలి వాట్ ఎన్ అమేజింగ్ మూవీ దే హావ్ మేడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఐ మీన్ వి ఫీల్ సో ప్రౌడ్ యు నో ద కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ నౌ ఇండియా ఇస్ మేకింగ్ బాహుబలి ఇస్ ఆబ్వియస్లీ అ బెంచ్ మార్క్ ఫర్ ఫర్ ద పీపుల్ టు సీ కి హా భై हम हिंदुस्तान में भी ऐसी तगड़ी फिल्में बनाते हैं आप जो हॉलीवुड की बात करते हो कि हॉलीवुड में बहुत तगड़ी फिल्में बनाते हैं तो दे विल हैव टू सी व्हाट बाहुबली हैज मेड एंड इट्स अ प्राउड सॉर्ट ऑफ फीलिंग यू नो व्हेन यू सी अ मूवी लाइक बाहुबली कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में भी इतनी बढ़िया फिल्में बनती हैं हैट्स ऑफ टू ऑल द टीम मेंबर्स एंड प्रभास एंड एवरीवन दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब और टू बी ऑनेस्ट मैंने बाहुबली से तकड़ी और बढ़िया फिल्म देखी नहीं है अनबिलीवेबल जो सिनेमैटिक सीन्स जो हैं वो जो दिखाया गया है सेट्स एंड ऑल इट्स अनबिलीवेबल अमेजिंग मेरे को मौका भी मिला था कि मैं वो सेट देखने हैदराबाद जब मैं आया था मैं देखने गया था वो देख के वो यादें ताजा हो गई थी आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बाहुबली मूवी एंड प्रभास यू हैव डन अ ग्रेट जॉब ब्रदर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आई होप यू विल कंटिन्यू टू यू नो inspire many 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 youngsters who wants to be like you so well done and all the very best going forward that's so sweet of you seriously okay who is your favorite actor in tollywood see there are many great actors in south india if we talk about you know bahut bada hai south india rajni sir se leke venkatesh chiranjeevi sir ya fir prabhas you know all these guys the have done commendable job or vijay talapati to jitne logon ka main naam lu kam hai kyunki they have done all commendable job you know aur ye inhone inspire kiya hai aane wali generation ko ki kaise acting ki jati hai aur apni chhap chhodi hai unke upar so all of them are my favorite and you know mauka milta hai jab bhi kabhi inse milne ka mulaqat karne ka it's always a pleasure meeting such personality jinhone apne जोन में रह के बहुत नाम कमाया हो सो इट्स ऑलवेज नाइस टू मीट देम एंड टू लर्न फ्रॉम देम इट्स ऑलवेज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड थोड़ा सा मैं शॉक में हूँ मुझे लगा था आप एक दो का नाम लेंगे लेकिन रजनीकांत सर से लेकर आप वेंकटेश जी और चिरंजीवी जी के बारे में भी बोले थे ये सुन के बहुत अच्छा लगा ये दिव्यना का चाला बाने भेजेंगे नहीं सी आपने पूछा ना कि एक्टर कौन है तो मैं थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ कि कौन अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं लोग यू नो हम अपनी फील्ड के क्रिकेट खेलते हुए माहिर रहे हैं या फिर कोशिश करी है कि क्रिकेट उस लेवल की खेलें बट ये साथ में ये भी पता होता है कि दूसरी फील्ड में कौन क्या कर रहा है और सबको सलाम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अच्छा करें आगे बढ़ें जिंदगी में और अपने सब जो है वो सपने को पूरे करें यही मेरी दुआ है सबके लिए सर आप तो क्रिकेट में महान हो सर आप इतना इस लेवल पे खेले कि हर गली पे मिलेगा एक हरभजन सिंह क्योंकि हमेशा वो लड़के को एक कॉब मतलब ड्रीम रहता है ना हरभजन सिंह बनना है सो यू अचीव लॉट ऑफ देखो क्रिकेटर तो हर किसी को बनना है क्रिकेट खेलने का शौक हर एक्टर को है हर गली नुक्कड़ के लड़के को है बच्चे को है हर वो बूढ़े को है जिसने क्रिकेट देखा है अपने जिंदगी में कभी ना कभी तो किसी ने कहीं ना कहीं क्रिकेट देखा जरूर है मैं वेंकी की बात करना चाहूंगा वेंकटेश ही इज बीन अ ग्रेट 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 क्रिकेट फैन यू नो वो तो वर्ल्ड कप के मैच छोड़ते ही नहीं है जब जहाँ वर्ल्ड कप होता है वहां पहुंच जाते हैं उनके अलावा और भी बड़े एक्टर्स हैं जो वर्ल्ड कप के मैच देखते हैं पहुंच जाते हैं उसके अलावा और भी कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पहुंच जाते हैं मैच देखने के लिए तो वहीं से मुलाकात होती है दोस्ती होती है यू गेट टू नो देम दे गेट टू नो अस तो ऐसे करके जो इट्स नाइस टू नो यू नो ईच अदर की अपनी जिंदगी में आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े हो सो इट्स नाइस टू नो अदर पीपल एज वेल व्हाट दे डू टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ पैंडेमिक लो चाला टाइम దొరికింది కదా ఈ టైం ని మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు जो लॉकडाउन का टाइम है वहां किस में इन्वेस्ट किए थे आप ज्यादा तक आई वाज जस्ट एट होम आई लर्न probably all the cooking dishes मैंने सब सीख लिया खाना वाना बनाना क्योंकि इससे पहले मैं कभी किचन में गया नहीं था बट या सो पेंडेमिक के दौरान मुझे टाइम मिला तो मैंने काफी कुछ बनाना सीख लिया ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थ इंडियन डिशेस बट थोड़ी सी साउथ इंडियन डिशेस जिसमें से
मेरी फेवरेट है, उपमा मैं बना लेता हूँ, और उसके अलावा मैं चटनी बना लेता हूँ, उपमा बना लेता हूँ, और सांबर थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, पर उतना अच्छा बनता नहीं है मेरे से जितना अच्छा मैं नॉर्मली कहूँ साउथ इंडिया में मिलता है, बट यस स्टिल वेरी गुड इनफ टू फॉर मी टू यू नो से कि हाँ मैंने बनाया है। गीता जी बना लेते हैं हाँ कुछ साउथ बिल्कुल, इंडियन? उनसे मैंने सीखा है, उनसे मैंने ओके सीखा है कुकिंग, काफी हद तक मेरी उन्होंने मदद करी है कि ये चीजें डालनी है, इतनी देर के लिए पकाना है, इतनी देर के लिए ये करना है। डू यू रिमेम्बर एनी डायलॉग फ्रॉम योर फिल्म फ्रेंडशिप? मी कहते ना डायलॉग गुरुतुंद फ्रेंडशिप नुंची, तेलुगु और तमिल एनीथिंग इज फाइन। मैं कोशिश करता हूँ पर अगर ठीक से ना बोल पाऊँ तो माफ करना, सर मुझे तो क्योंकि तमिल बहुत नहीं से डायलॉग आती, जो है वो चलेगा? मुझे मेरे लिए भी टंग ट्विस्टर है। ओह ईदा विशेता इनुका कतु कोडुदा फ्रेंडशिप, ओके डू यू नो इवन द मीनिंग ऑफ इट? नो सर, मुझे प्लीज, ये तो एग्जाम हो जाएगा मेरे लिए। सो मेरा भी आई नो एग्जाम फ्यू ही था, वर्ड्स इन ऑलमोस्ट तमिल। मैंने एक महीना मैंने एग्जाम दिया देखो, और बट इट्स गुड यू नो समथिंग यू कैन लर्न एवरी डे, सो मैंने चैलेंज लिया था कि हाँ भाई वहां रहूंगा मैं, सीखूंगा उन लोगों को जानने में कि वो क्या करते हैं निजी जिंदगी में, सो वंस यूर देयर यू लर्न। ओके सर, मैं कुछ आपको तेलुगु में सिखाना चाहूंगी, सो आप हाँ इफ बोलो। यू आर ओके विद दैट। ओके सो दिस इज मेगास्टार चिरंजीवी सर्स डायलॉग, सो यू प्लीज रिपीट इट, दैट्स इट। सी सर, मोके कदा आनी पी केस्ते, मौके कदा आनी पी केस्ते आणि पीके असते पीके पी क कोस्ता, कोस्टा, राइट, परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लाइक थोड़ा सा मुश्किल है मुझे बोलने में, लेकिन इट्स अ मास डायलॉग, सो चिरंजीवी सर्स डायलॉग, ओह ही इज सो मास, चिरंजीवी या इज बॉस, ही इज अ बॉस। ही इज अ बॉस, या बॉस इज बैक, सेकेंड इनिंग्स भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने, हाँ सो बिल्कुल, आई एक ही जस्ट सॉ सेकेंड हिज इनिंग्स में भी पिक्चर चौका विद छक्का लगा दिया उन्होंने। या आई जस्ट सॉ हिज पिक्चर विद कपिल देव, इट्स नाइस टू सी बोथ ऑफ देम सिटिंग टुगेदर एंड हैविंग डिनर। या रिसेंटली इवन आई हैव सीन, सो दैट्स या वेरी नाइस वन, ब्यूटिफुल पिक्चर। सो ओके आई विल टीच यू फ्यू वर्ड्स लाइक या बागुनारा, इट बागुलनारा, मीन्स बागुनारा, हाउ आर यू, आर यू फाइन, इट मीन्स बागुलनारा बागुनारा, या तिन्नारा, आई एम गुड, इनेरा तिन्नारा, हैड तिन्नारा, यू अ लंच या डिनर, वॉट एवर। नो यू डिडंट गिव मी एनीथिंग, वेयर कैन आई हैव नाउ, यू आर जस्ट आस्किंग मी हैव मैंने खाया या नहीं, भेजा तो है नहीं आपने। सर अबू धाबी को बेचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सर, वहां तक आने में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी डिशेस से, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्या करूं मैं, कुछ आवकाई पप्पू अन्नम भेज दूं क्या वहां पर, सांबर राइस कुछ भेज दूं क्या? पप्पू अन्नम भेज दो मुझे, पप्पू इज दाल राइट? दाल, राइट, करेक्ट। या आई नो, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम वीवीएस लक्ष्मण, पप्पू, पर हाँ आई विल हैव सम पप्पू, मैंने कहा पप्पू क्या है, तो बोलता दाल को पप्पू बोलते हैं। करेक्ट, पप्पू, या वी हैव पप्पू, सांबार, पप्पू चार, लॉट ऑफ डिशेस हियर।